आप देखिए कि जन आक्रोश सभा के अंदर बसें और गाड़ियाँ देखिए आप कितनी आने लगी हैं, और करीब 20 गाड़ियाँ बता रहे हैं कि आएगी आज। तो सत्य जी भाई साहब क्या खुशी देख रहे हैं? बस देखिए अच्छा जन सैलाब देख रहे हो, बसों के साथ बसें भरी कर यार आम आदमी के मन में जो द्वेष और जो गुस्सा है वो आज कलेक्ट्रेट पे निकलेगा। जिस तरह से आम आदमी आज पार्टी कार्यकर्ता तो आएंगे आएंगे, उसके साथ में जो आम आदमी आए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पर बसों में भर भर के कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन करते हैं। तो आप देखिए कि बसें आनी शुरू हो गई है। तो जन आक्रोश सभा में आज रैली के रूप में यहाँ महाराणा भोपाल स्टेशन से रवाना होंगे। तो जन आक्रोश यात्रा के रूप में जाएगी और जन सभा के अंदर सभी भाग लेने वाले हैं। जी मैडम, भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश महासभा होने जा रही है कलेक्ट्रेट के बाहर। जन आक्रोश यात्रा इसलिए है कि इस तरह से गहलोत सरकार सोई पड़ी है। कल ही देख लो आप, जो प्रतियोगिता परीक्षा हो रही थी उसको पेपर लीक कर दिया। आराम से प्रिंसिपल बैठ के पेपर सोल्व करवा रहा है, लाखों रुपए जमा कर रहा है, और जो पढ़ रहे हैं जो गरीब बच्चे हैं ट्यूशन कर रहे हैं दिन रात मजदूरी करके के, और जो पढ़ाई कर करके और एग्ज़ाम देने आए हैं उससे पहले पेपर आउट कर दिया गया है। इसलिए इस गहलोत सरकार को हर संभव हर प्रयास से इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए और कुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आप देखिए कि जन आक्रोश कितना है और इसी प्रकार जन आक्रोश सभा आज होने वाली है। बड़ी संख्या में आज देखिए लोग ग्रामीण लोग भी आ रहे हैं और पूरा नादेश्वर मंडल, अंबेडकर मंडल, और आप देखिए कि जितने भी गांव हैं हमारे आसपास के सभी मंडल जो है आज यहाँ पहुँचे हैं। बीस बसें भरकर आई है और जन आक्रोश सभा में ये सभी भाग लेंगे, इसके एक एक दृश्य आप तक पहुंचेंगे। जी नेताजी जिंदाबाद। हाँ जी कैसा रहा और कितनी बसें आई है? बच्चे 22 बच्चे आई है। 22? अरे वाह वाह वाह। ग्राम पंचायत उंगली के हमारे पूनम का जी सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे सरकार का क्या है? सरकार के वो जन आक्रोश रैली के बारे में हम सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए या धरना प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टिव पे आए हुए हैं। हाँ सरपंच साहब हुकुम, क्या हो रहा है? हम जन आक्रोश रैली निकाली है, इस सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल तक जो वादा किया 10,000 में अगर किसानों का कर्जा माफ करेंगे ये कर देंगे वो कर देंगे, आज तक कुछ नहीं किया। जो जन आक्रोश रैली अभी 11 महीने रह गए हैं, लेकिन आज भी अगर चुनाव होता है तो इस सरकार को उखाड़ के फेंक दे, ये जनता में आक्रोश है। कुछ काम नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। आप देखेंगे जबरदस्त आक्रोश है यहाँ पे और क्षेत्रीय पार्षद साहब। जी साहब, महामंत्री जी बोल, इंटरव्यू दे जी। आज नागेश्वर मंडल उदयपुर ग्रामीण विधानसभा और शहर विधानसभा दोनों का जन आक्रोश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है और नागेश्वर मंडल से लोगों में भी ये आक्रोश है कि सरकार ने जो वादे किए थे जो पूरे नहीं किए, फिर कर्ज माफी है। आज हर बार जो बेरोजगारों के लिए अब तो एग्जाम हो रहे उसमें हर बार पेपर लीक हो रहा, हर लड़के ओवरहेड हो गए और जो भी एग्जाम देते हैं ना वो पेपर आउट हो जाता है, उसमें भी युवाओं में भी रोष है। और जो भी हमारे क्षेत्र में जोड़ों वोड़ों का नेटवर्क अच्छा तो नहीं हो रहा,
तो बड़े भाई साहब सुनील जी हमारे साथ में हैं। सुनील चौधरी, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नातेश्वर मंडल से। इस सरकार के खिलाफ आप रोज देख रहे हो, सफाई जनता अपना सारा काम छोड़ के आक्रोश दिखाने के लिए आ चुकी है। निरंतर मतलब मजाक की पात्र बनती जा रही है सरकार। धोखा किया इस सरकार ने, हर हर मतलब एग्जाम का पेपर लीक करने में विफल है। कानून राज कुछ भी नहीं सरकार में।